बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंटर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, वेबकैम, फिंगरप्रिंट स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये सारी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस में रीड और ट्रांसलेट के लिए यूज़ होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर के ज़रिए समझा जा सकता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में ज़्यादा कीज़ होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं और ये कीज़ अलग अलग सिग्नल सेंड करती हैं सीपीयू को। अल्फ़ाबेट कीज़ की स्टैंडर्ड अरेंजमेंट को क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। इन सभी कीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में मींस ग्रुप में अरेंज किया गया है। कीबोर्ड के कीज़ का पहले ग्रुप का नाम है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में नंबर्स और लेटर्स दोनों तरह की कीज़ होती हैं। कीबोर्ड के इस पार्ट में कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, जैसा कि बैक स्पेस की जो कि एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, कैप्स लॉक कीज़ जिसके ज़रिए हम अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, एंटर की जिसके ज़रिए हम प्रोसेसर को कोई भी कमांड देते हैं या हम डॉक्यूमेंट्स में रहते हुए नई लाइन एंटर कर सकते हैं इंटर की के ज़रिए। नंबर सेकंड, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आमतौर पर राइट साइड में नज़र आता है, जो कि बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह होता है, जिसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं और 4 बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डेसिमल पॉइंट और नम लॉक बटन भी कैप्स लॉक की तरह होता है, जो कि नंबर को इनपुट करने के लिए फोर्स करता है। जब नम लॉक की डीएक्टिवेट हो तो हम न्यूमेरिक कीपैड से कर्सर को मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के सबसे ऊपर के साइड पर होती हैं, F1 to F12 तक, और ये हर एक कीज़ अलग अलग कमांड को परफॉर्म के लिए यूज़ होती हैं। इनको यूज़ करते हुए हम अलग अलग तरीके के मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं बिना किसी बड़े इनपुट कमांड के। नंबर 4, स्क्रीन नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट कीज़। बहुत से प्रोग्राम में या टाइप करते हुए हम एक ब्लिंकिंग मार्क देख रहे होते हैं। जब भी हम की प्रेस करते हैं तो पर्टिकुलर कैरेक्टर या डिजिट के आगे नज़र आ रहा होता है, इसी ब्लिंकिंग मार्क को कर्सर कहते हैं। बहुत से कीबोर्ड में कर्सर मूवमेंट कीज़ भी शामिल होती हैं, जैसे एरो कीज़, होम एंड एंड कीज़, पेज अप एंड पेज डाउन कीज़। एरो कीज़ 4 होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, जो कि कर्सर को मूव करती हैं लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। होम की से कर्सर बिगनिंग लाइन में आ जाता है, मींस फर्स्ट लाइन में आ जाता है, और एंड की से कर्सर सबसे एंड वाली लाइन में आ जाता है। पेज अप एंड पेज डाउन से कर्सर पेज बाय पेज जंप करता है। पेज अप से कर्सर मूव होता है प्रीवियस पेज या प्रीवियस स्क्रीन पर, और पेज डाउन से मूव होता है कर्सर नेक्स्ट पेज पर। कीबोर्ड का 5th ग्रुप मॉडिफायर कीज़ है। मॉडिफायर कीज़ से हम कोई भी इनपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफायर की को होल्ड करते हुए किसी भी दूसरी की को जब हम प्रेस करते हैं तो वो हमारा एक्शन या इनपुट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफायर कीज़ हैं शिफ्ट कंट्रोल और अल्टर। इसी ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी दी गई हैं, जैसे डिलीट की, इंसर्ट की और ESC की। डिलीट की से हम कोई सा भी कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट की के ज़रिए हम पहले से ही जो टाइप हुआ हुआ टेक्स्ट है उसके दरमियान कोई सा भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं।
ESC की का फंक्शन वेरीज करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, मींस हर प्रोग्राम में उसका फंक्शन अलग अलग होता है। और प्रिंट स्क्रीन की के ज़रिए हम जो भी हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उसकी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माउस, माउस भी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि कम काबिलियत से आसानी से ट्रांसमिट करता है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन में ये एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहा होता है और किसी भी पॉइंट को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि किसी डिस्प्ले स्क्रीन पर किसी जगह की निशानदेही की जा सके और पोजीशन से किए जाने वाले एक्शन को पॉइंट आउट किया जा सकता है। ट्रैक बॉल, माउस की तरह ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके फंक्शन भी माउस की तरह ही हैं, सिर्फ इसमें हम फ्लैट सरफेस पे इसको रोल ओवर नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने के लिए फिंगर से इसकी बॉल को रोटेट करते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो इमेज और टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है डेटा और डिजिटल सिग्नल्स में। स्कैनर्स के तीन टाइप्स हैं, हैंडहेल्ड, फ्लैटबेड और शीट फेड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर को हम हाथ में पकड़ के और जो भी पिक्चर या इमेज हमें स्कैन करनी होती है वो इजीली स्कैन कर लेता है। फ्लैटबेड स्कैनर, इस टाइप के स्कैनर में पीस ऑफ ग्लास होता है जिस पर डॉक्यूमेंट्स रख कर हम स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। फ्लैटबेड स्कैनर बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखते हैं। शीट फेड स्कैनर से हम पूरी शीट स्कैन कर सकते हैं एक ही वक्त में और इसके ऊपर का हेड जो होता है वो नॉन रिमूवेबल होता है। ये फर्दर और टाइप्स हैं स्कैनर की, इंटीग्रेटेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। इंटीग्रेटेड स्कैनर मॉडर्न टाइप के स्कैनर हैं और ये इमेज लेते हैं। ATM मशीन में यही फीचर्स के स्कैनर्स लगे हुए होते हैं जो चेक प्रोसेसिंग को अप्रूव करते हैं। ड्रम स्कैनर पिक्चर को कैप्चर करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं हाई रेजोल्यूशन रेट में। कुछ ही कंपनीज हैं जो इस तरीके के स्कैनर्स बनाती हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत से पैसा खर्च होता है और ये रेगुलर फ्लैटबेड स्कैनर से काफ़ी बेहतर है। जॉयस्टिक हैंडहेल्ड स्टिक होती है और ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ज़्यादातर ये कंप्यूटर में यूज़ होती है गेम्स खेलने के लिए और कभी कभी कैड और कैम सिस्टम्स में भी ये यूज़ होती हैं। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर डिटेक्टर और लाइट सोर्स होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसका मॉनिटर स्पेशली डिज़ाइन होता है। आमतौर पर ये इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होती है और इसी के ज़रिए हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी अरेंज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। डिजिटल कैमरा एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स को एज अ इनपुट लेता है। डिजिटल कैमरा के फ़ायदे ये हैं कि ये फ़ोटोज़ बनाना इनमें बहुत कम कॉस्ट आती है और बहुत जल्दी बन जाती हैं, इनकी पिक्चर्स जो हैं वो प्रोसेस हो जाती हैं क्योंकि इसमें फिल्म नहीं होती। हमने काफ़ी इनपुट डिवाइसेस को समझा कि वो किस तरीके से काम करते हैं और उनके नाम और उनकी टेक्नोलॉजीज़। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर सिस्टम में से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर और हेडफोन। मॉनिटर्स डिफरेंट वेरिएंट में आते हैं जैसे पहले CRT, उसके बाद LCD, LED, OLED और फिर QLED जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। मॉनिटर्स आउटपुट डिवाइस होते हैं और इन्हें डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर से जनरेट हुआ हुआ आउटपुट हम डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर के थ्रू हम उसको देख सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के हो या ग्राफिक्स में। मॉनिटर्स के टाइप्स, कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में।
सीआरटी मॉनिटर्स। सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होते हैं, जो वर्क भी उनकी तरह ही करते हैं। इनके अंदर लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती है जो कहलाती है कैथोड रे ट्यूब। इसी वजह से इनको सीआरटी मॉनिटर्स या कैथोड रे मॉनिटर्स कहा जाता है। फ्लैट पैनल स्क्रीन या एलसीडी। फ्लैट पैनल स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ज़्यादातर लैपटॉप्स में एलसीडी स्क्रीन ही यूज़ हो रही होती है, और एलसीडी मॉनिटर स्टैंडर्ड डिस्प्ले स्क्रीन है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। एलईडी मॉनिटर्स। एलईडी डिस्प्ले फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जो कि लाइट एमिटेड डायोड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होती है एज अ पिक्सल्स वीडियो को दिखाने के लिए। टच स्क्रीन मॉनिटर्स। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें हम डायरेक्टली टच करके किसी भी एरिया में और ऑपरेट कर सकते हैं। मॉनिटर्स की क्वालिटी उनके फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है, जैसे कि रेजोल्यूशन, बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और कन्वर्जेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये इन्फॉर्मेशन को पेपर में कन्वर्ट करते हैं, जो पेपर कहलाते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स की भी टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स स्ट्राइक करते हैं इंक रिबन में, और ये बहुत नॉइजी होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेसी व्हील और लाइन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें शामिल हैं लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स। ये ज़्यादा शोर भी नहीं करते और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। प्रिंटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। 1 क्वालिटी ऑफ प्रिंट, 2 स्पीड, 3 ग्राफिक्स, 4 उसके फॉन्ट्स, 5 कलर और 6 रेजोल्यूशन। ये एग्जांपल है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जैसा कि आप पिक्चर्स में इन दोनों टाइप्स को देख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लॉटर्स के बारे में। प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइस हैं प्रिंटर की तरह, लेकिन ये प्रिंटर से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इसमें पेन यूज़ होता है और पेन के थ्रू इसमें लाइंस ड्रॉ होती हैं। प्लॉटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, पेन प्लॉटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। पेन प्लॉटर्स में इंक अटैच होती है और उसी के ज़रिए वो इमेज ड्रॉ कर रहे होते हैं। फर्दर पेन प्लॉटर्स की दो टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर्स और फ्लैट बेड प्लॉटर्स, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स, ये प्लॉटर्स भी सिमिलरली लेज़र प्रिंटर की तरह ही काम कर रहे होते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने एक के बाद एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को समझा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्यूल डिवाइसेस के बारे में कि ड्यूल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ड्यूल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों का काम एक साथ कर रही होती हैं, जिसमें टच स्क्रीन मॉनिटर, मॉडेम हुआ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हुआ, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, सीडी राइटर और डीवीडी राइटर वगैरह। ये सभी ड्यूल डिवाइसेस कहलाती हैं, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में। सॉफ्ट कॉपी वो कहलाती है जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, जो कि इनटेंजिबल होता है और टेम्परेरी होता है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की स्क्रीन को तो टच कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो सॉफ्ट कॉपी जो प्रोग्राम्स अंदर चल रहा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। और वो टेम्परेरी भी होते हैं। प्रिंट आउट हुआ हुआ पेपर वो कहलाता है हार्ड कॉपी, और वो टेंजिबल भी होते हैं और परमानेंट भी। आई होप आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का डिफरेंस समझ आया होगा।